औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम, खालिक मालिक राज़िक, वहदहु ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों ला मुतराही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज। मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज भी आए, रिक्वेस्टें भी आई, चैनल पर भी लोगों ने पूछा कि जी कैडेट कॉलेज में जाने के बच्चों के लिए क्या फ़ायदे हैं। मेरी इस वीडियो का मौजू है कैडेट कॉलेज में जाने के फ़ायदे। अच्छा, देखें, कैडेट कॉलेज में जब एक बच्चा यंग एज में जाता है तो सबसे पहली बात तो उसको ये चीज़ पता चल जाती है, हाउ टू लिव इंडिपेंडेंट। मैंने अपने तौर पे सेल्फ सस्टेन करके इंडिपेंडेंटली कैसे रहना है, आज़ादाना तरीके से अपनी लाइफ को कैसे आगे चलाना है। दूसरा बड़ा उसको बेनिफिट ये मिलता है कि उसमें सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है। तीसरा उसका बेनिफिट ये होता है कि उसकी आर्मी वे ऑफ लाइफ के तहत उसको फौजी टाइम टेबल, फौजी हालात, डिसिप्लिन के अंदर रहना, ड्रेस अप होना, टॉकिंग मैनर्स, कम्युनिकेशन स्किल, खाने के आदाब, टेबल के आदाब, बातचीत के आदाब, छोटों से बात के आदाब, बड़ों से बात के आदाब, कौन सा ड्रेस किस मौके पर पहनना है, इन चीज़ों का पता चल जाता है। टर्न आउट का पता चल जाता है, हाउ टू कैरी हिमसेल्फ, कम्युनिकेशन स्किल मैंने पहले ही किया, बातचीत का पता चल जाता है। फिर उसके मनाजिल और चीज़ें जो अगर वो आर्मी फोर्सेस में आना चाहता है तो कंपैरेटिवली उसके लिए बहुत आसान इसलिए हो जाता है कि उसको ऑलरेडी आर्मी वे ऑफ लाइफ या मिलिट्री ऑफ लाइफ वे ऑफ लाइफ की चीज़ों का पता चलता है। तो मेरे ख्याल में कैडेट कॉलेजेस में हमेशा मेरिट चलता है, एग्जाम लेते हैं वो, एंट्री टेस्ट में मेरिट बनता है, फिर इंट्री होता है, फिर मेडिकल होता है। तो जो बच्चे उधर जाते हैं और पेरेंट्स उन पर कंसिस्टेंटली मुसलसल तवज्जो रखते हैं तो कंपैरेटिवली उनका आर्मी में आने का, फोर्सेस में जाने का, आर्मी नेवी एयर फोर्स में जाने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उनको एक वे ऑफ लाइफ मिल जाता है, वो उस वे ऑफ लाइफ के साथ रहना शुरू हो जाते हैं और उनके जो टेस्ट हैं कंपैरेटिवली इजी हो जाते हैं उनके लिए, ISSB और दूसरी एंट्री। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दिल की मुरादें पूरी करे, आपको औलाद का सुख दे, मेरा और आपका गुलशन आबाद रखे और मेरा और आपका हमेशा आमीन आसर हो। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।